यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा जो हमने जनरल रजिस्टर और कैश बुक की पोस्टिंग की थी लेजर बुक में, उन सब का बैलेंस निकालना, मतलब उनका टोटल भी करेंगे उसके अंदर हम, और उनका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। तो आज का हम क्या करेंगे, जनरल बुक में जो भी हमारे अकाउंट्स बनाए थे, हमने लेजर्स बनाए थे, उन सब का टोटल करेंगे। तो देखोगे आप कि हमारी बुक लेजर्स बुक ओपन हो गई है। तो सबसे पहले लेजर में हमारे पास क्या है, कैपिटल। कैपिटल का लेजर बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट है, पेज नंबर्स डाले हुए हैं हमने जनरल बुक और कैश बुक के। तो अब हम टोटल देखेंगे। जब हम जैसे हमने लेजर के अंदर टोटल किया था, वैसे सेम ही हम लेजर बुक का भी टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड में टोटल करने लगे तो कुछ भी अमाउंट नहीं थी, और क्रेडिट साइड में 2,00,000 रुपए थे। तो हमने यहाँ पर जो अमाउंट ज्यादा होती है वो अमाउंट दोनों तरफ आती है, जो अमाउंट बड़ी होती है, यहाँ तो थी नहीं तो वो भी ज्यादा वाली अमाउंट आती है। जब हम टोटल करते हैं तो नीचे लाइन से इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने डेबिट साइड में 2,00,000 तो लिख दिए, बट ये 2,00,000 आए कहाँ से बताना पड़ेगा। तो हम उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे 30/4 को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पे क्या आता है, बाय वाली तरफ वो थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस। सी डी जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,00,000 रुपए से 2,00,000 रुपए। टोटल के नीचे जहाँ पे सी डी आता है, सी डी का मतलब होता है कैरी डाउन। हम यहाँ से लेके आए हैं 2,00,000 रुपए, तो उसको हम बैलेंस को आगे चढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 मई। जहाँ पे सी डी आता है उसके अपोजिट साइड में पी डी जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस पी डी, कितने से, 2,00,000 रुपए से। ठीक है, बाय बैलेंस पी डी 2,00,000 रुपए से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट है, तो हम देखा यहाँ पे डेबिट साइड का जो टोटल है उसका 20,000 रुपए है, और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो अब वहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो टोटल है वो उस तरफ भी लिखेंगे हम। तो पहले वाली एंट्री के अंदर बैलेंस सीडी डेबिट साइड में आया था, और यहाँ पे कहाँ पे आया है, क्रेडिट साइड में। तो हमने डेट डाली, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बाय बैलेंस सीडी, कितने से, जो अमाउंट है 20,000 रुपए से, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, अपोजिट साइड में आए। यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस डीडी, कितने से, जो अमाउंट सीडी के अंदर थी वही अमाउंट यहाँ आ जाएगी। तो अब उसके बाद जाते हैं हम परचेज के अंदर। तो हम परचेज का टोटल करते हैं कितना है, 25,000, 50,000 भी है बीच में, तो हमने कहा 75,000 रुपए। 75,000 रुपए में 16,000 और ऐड कर दिए, कितना आ गया, 91,000 रुपए। 91,000 रुपए में 12,000 रुपए ऐड किए, 1,03,000 रुपए। तो देखो डेबिट साइड का टोटल क्या है, 1,03,000 रुपए। तो हम क्रेडिट साइड में आए तो यहाँ पे टोटल है 4,000 रुपए। तो टोटल ज्यादा कौन सा हुआ, 1,03,000 रुपए। तो जो टोटल ज्यादा होता है वो लिखते हैं हम, हमने यहाँ पे लिख दिया 1,03,000 रुपए। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल आ गया। अब यहाँ पे जब हम बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, हमने 1,03,000 तो लिख दिया, तो हमने डेट डाली, जो लास्ट डेट बनेगी वो डालेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे क्या लिखे, 1,03,000 रुपए तो टोटल है, तो 4,000 रुपए हमें पहले से ऊपर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल में से जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसको उसमें से माइनस कर देंगे,
तो 1,03,000 रुपए में से क्रेडिट साइड का टोटल 4,000 रुपए है, तो उसमें से वो माइनस किया तो 99,000 रुपीज आ गया। तो देखो आप क्रेडिट साइड का आप टोटल करोगे तो 1,03,000 रुपए ही बनेगा। तो अब उसके अपोजिट साइड में गए तो हमने यहाँ पे डेट डाली, तो अब यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे हम, टू बैलेंस बीडी, सीडी उस तरफ था तो बीडी यहाँ पे आएगा 99,000 से। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लेजर के अंदर। नेक्स्ट लेजर के अंदर आप देखोगे हमारे पास सेल अकाउंट है, तो हम सेल अकाउंट के लेजर का टोटल करेंगे तो आप देखोगे कि क्रेडिट साइड में हमें अमाउंट दी हुई है और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो डेबिट साइड का जो टोटल हुआ वो जीरो हो गया और जो क्रेडिट साइड है उसका जो टोटल है वो देखेंगे कितना बनता है। तो हमने इसके अंदर टोटल किया 40,000 और 27,000, 67,000 कितना बन गया, 67,000 और 67,000 में 12,000 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 79,000। तो हमने यहाँ पे लिखा 79,000 डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड का सॉरी, और डेबिट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमने वहां पे भी 79,000 रुपीस लिख दिया। अब ये कहाँ से आया, सीडी है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीडी, कैसे, बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब कैरी डाउन। उसके बाद यहाँ पे टोटल के नीचे लिखना है हमेशा बीडी, कभी भी ऊपर नहीं आना चाहिए, जो टोटल की लाइन लगाते हैं उसके नीचे आता है जो बीडी होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस बीडी कितने से, 79,000 से। परचेज रिटर्न पे गए तो परचेज रिटर्न में जाएंगे तो डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे जीरो है और क्रेडिट साइड तरफ कितने हैं, 5,000, तो टोटल कितना हो गया 5,000, तो दोनों तरफ क्या आ गया 5,000 रुपए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5,000 रुपए इधर हमने कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे डेट डाली हमने, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 5,000 रुपए से। तो अब हमने सीडी कर दिया तो बीडी भी लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे बीडी लिखा, तो हमने यहाँ पे बीडी लिखने के लिए क्या करेंगे, डेट डालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो क्या आएगा, बाय से 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास मोहन गारमेंट्स, तो आप देखोगे मोहन गारमेंट्स में कि हमारे पास टोटल दिया हुआ है दोनों तरफ है, तो हम काउंट करेंगे मोहन गारमेंट्स का। तो आप मोहन गारमेंट्स में गए तो इसके अंदर क्या है, आपके पास यहाँ का डेबिट साइड का टोटल किया 200 और 1,700, 8,000 रुपए कितना हो गया, 8,000 रुपए हो गया, और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल किया 16,000 रुपए। तो देखेंगे हम ज्यादा टोटल कहाँ का है, तो ज्यादा टोटल जो है हमारा 16,000 रुपए है, 8,000 रुपए कम होते हैं, तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे, 16,000 रुपए। हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या लिख दिया, 16,000 रुपए। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे, डेट डाली हमने, उसके बाद क्या लिखेंगे, जो टोटल था उसमें से उसे माइनस कर देंगे, टोटल 16,000 था और डेबिट साइड का टोटल कितना था, 8,000 रुपए। तो 16,000 रुपए में से 8,000 रुपए चले गए हैं तो कितने आ गए, 8,000। तो हमने यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कितने से, 8,000 रुपए से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो ये है, तो हम ओपनिंग जब चढ़ाएंगे तो इन दोनों टोटल की जो लाइन से नीचे स्टार्ट होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस, अगर आप ऊपर लिख देते हो तो गलत हो जाएगा वो। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीडी यहाँ पे आ जाएगा, बाय बैलेंस
दीदी, कितने से? 8,000 रुपए से। नेक्स्ट है हमारे पास विशाल ट्रेडिंग। तो विशाल ट्रेडिंग में गए हम, डेबिट साइड में भी है और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट है हमारे पास। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो हमारे पास डेबिट साइड की अमाउंट है उन सबका टोटल करेंगे और जो क्रेडिट साइड में है उनका भी टोटल कर देंगे। तो हमने इनका टोटल करना स्टार्ट किया तो डेबिट साइड का टोटल बना 5,000 और 19,000 24,000 और 1,000 25,000 रुपये। यही सेम बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड में भी है। तो दोनों तरफ का टोटल क्या हो गया? 25,000 रुपये। कहीं से कहीं के लेके जाने की जरूरत नहीं है, बराबर है तो सीडी कहाँ पे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। जब बैलेंस बराबर हो जाता है तो सीडी और बीडी नहीं लिखा जाता, और जब बराबर बैलेंस होता है तो उसे ट्रायल बैलेंस में भी नहीं लिखते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम बैलेंस बीडी को लिखते हैं। जब सीडी नहीं है तो बीडी कहाँ से आया? तो हम इसे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, इक्वल हो चुका। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो हमने ड्रॉइंग अकाउंट में गए, ड्रॉइंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल किया हमने, कितना है? 14,000 रुपये। 4,000 और 10,000 14,000 रुपये। और क्रेडिट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं है तो हमने क्या किया, यहाँ का जो टोटल था वो दोनों तरफ लिख लिया, यहाँ का जो टोटल था वो दोनों तरफ लिख लिया। तो अब यहाँ पे 14,000 लिख दिए, तो कैसे आए 14,000 वो बताएंगे। 30 तारीख को आए, लास्ट डेट को डाली और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस, क्योंकि हम वहां से लेके आए हैं, कितने? 14,000 रुपए। इधर क्या आ जाएंगे? 14,000, ठीक है। अब सीडी ले तो आए तो कहाँ पे चढ़ाएंगे इसको? यहाँ पे 1 मई, हमने यहाँ पे चढ़ाया 1 मई, यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी, कितने से? जो अमाउंट यहाँ पे है हमारे, कितनी है? 14,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिर हीरो लिमिटेड। तो हमने हीरो लिमिटेड का टोटल किया, कितना आया है वो देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो 27,000 रुपए है, तो हमें याद रखना पड़ेगा डेबिट साइड का टोटल क्या है? 27,000। तो अब हम क्रेडिट साइड में गए तो क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे कितना है, 8,850 और 150 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 9,000 रुपए। तो ज्यादा कौन सा है? 27,000 रुपए। दोनों तरफ क्या लिख देंगे? 27,000 रुपए। तरफ भी क्या आ गया? 27,000 रुपए आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेट डालनी हमने, कौन सी तारीख डालेंगे हम यहाँ पर? 30 तारीख, बाय बैलेंस सीडी, कितने से? 27,000 रुपए में से 8,000 रुपए चले गए तो कितने बच गए? सॉरी, 27,000 रुपए में से 9,000 रुपए चले गए तो हमारे पास आ गए 18,000 रुपए। 8,850 और 150 कितने हो गए? 9,000 रुपए। 18,000 से क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो हम 1 मई का बैलेंस चढ़ाएंगे यहाँ। हमने यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस डीडी, कितने से? 18,000, ठीक है, कितने से? 18,000। उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट अलाउड के बाद क्या आता है वो देखेंगे हम। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड का टोटल देखा हमने, कितना आ रहा था? 150 रुपए। और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? कुछ
कुछ भी नहीं है तो दोनों तरफ 150 150 लिख देंगे क्योंकि ज्यादा यही हुआ, तो हमने भी 150 रुपए यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, 30 तारीख की एंट्री, यहाँ पे लिखेंगे से 150 रुपए से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे हमने यहाँ पे डेट डाली, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस से 150 से, ठीक है। तो हमारा बैलेंस बीडी आ गया। उसके बाद हमारे पास लेजर है डिस्काउंट रिसीव्ड का, वो देखेंगे हम। डिस्काउंट रिसीव्ड में हमारे पास अमाउंट है 1200, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम इस तरफ का भी टोटल कर लेंगे कितने से, 1200। 1200 कितने हो गए, 1200 रुपए। तो अब हमने यहाँ का टोटल कितने से कर लिया, 1200 रुपए से। तो अब हम यहाँ का टोटल भी क्या करेंगे, 1200 रुपए से करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ पे डेट डाली, टू बैलेंस सीडी कितने से, 1200 रुपए से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डेट को बाय बैलेंस डीडी कहाँ से, 150 से। तो अब हम पवन ब्रदर में आए, तो पवन ब्रदर के अंदर हमने यहाँ का टोटल किया कितना था, 12000 और डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो हम क्या करेंगे, पवन ब्रदर्स का क्रेडिट साइड का टोटल किया, 12000 रुपए आ गया, तो हमने यहाँ पे 12000 लिख दिया और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 12000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फिर फर्स्ट अप्रैल, सॉरी 30 तारीख की एंट्री है, टू बैलेंस कितने से, 12000 रुपए से, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कितने से, 12000 रुपए से, ठीक है। तो हमारे पास पवन ब्रदर का बैलेंस आ गया। के बाद आता है हमारे पास रेंट अकाउंट का लेजर। तो रेंट साइड में देखा हमने कि डेबिट साइड में 2000 रुपए हैं और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड का टोटल है वो दोनों तरफ आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2000 रुपए। तो क्रेडिट साइड में भी कितना लिख दिया, 2000 रुपए लिख दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, सॉरी 30 तारीख को क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे सीडी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितने से, 2000 रुपए से, ठीक है। अब इसी बैलेंस को हमने बीडी भी करना है, अपोजिट साइड में गए तो हमने यहाँ पे इसको बीडी करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितने से, 2000 रुपए से। तो बैलेंस बीडी हो गया कितने से, 2000 रुपए से। तो नेक्स्ट में आते हैं हम, सैलरी का है हमारे पास, तो हम सैलरी के अकाउंट लेजर पे आए।
तो आप सैलरी के लेजर के अंदर देखोगे डेबिट साइड का 4,000 रुपए का टोटल है और क्रेडिट साइड का कुछ भी नहीं है टोटल। तो हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो कितना आ गया 4,000 रुपए, और तो हमने क्रेडिट साइड में भी लिख दिया 4,000 रुपए। तो हम यहाँ पे सीधी करेंगे, डेट डाली हमने लास्ट मंथ की, यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी कितने से 4,000 रुपए से। नेक्स्ट है फिर हमने यहाँ पे इसका बैलेंस सीडी करेंगे बाय बैलेंस बीडी कितने से 4,000 रुपए से। तो देखो हमारे सबके बैलेंस चेक करते हैं, कोई रह तो नहीं गया अकाउंट जिसका बैलेंस मैच ना किया हो हमने, बीच में से कई बार ही रह जाता है। देखो कैपिटल का हो गया था हमारा, फर्नीचर का भी हो गया, सीडी बीडी दोनों, परचेज का सीडी भी हो गया और बीडी भी हो गया। देखा हमने सेल का सीडी भी हो गया और बीडी भी हो गया, परचेज रिटर्न का भी हो गया है हमारा सीडी और बीडी, मोहन गारमेंट्स का इन दोनों का भी हो चुका, सीडी बीडी विशाल का भी हो चुका, विशाल का था ही नहीं, सीडी बीडी दोनों इक्वल हो गए थे इसलिए इसका लेजर में टोटल टोटल करेंगे। ड्रॉइंग्स में हो चुका। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीरो लिमिटेड, इसका भी हो चुका है हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड का भी हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड का भी, पवन ब्रदर्स का भी हो चुका। क्योंकि अगर बीच में से रह जाता है तो आगे बैलेंस मैच होने में दिक्कत होती है। तो हमारे पास देखो सभी लेजर्स का टोटल जो है वो हो चुका है, सीडी और बीडी निकल चुका है। तो जो हमारा टोटल था वो ऐसे निकालते हैं। इसके बाद जो चेक करना था वो हमने आपको ट्रायल बैलेंस में सिखा दिया था कि जितने भी क्लोजिंग बैलेंस आए हैं बीडी आया है, बीडी अगर डेबिट साइड में है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर बीडी क्रेडिट साइड में है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि हमारे जो लेजर्स हैं उनका जो बैलेंस है वो ठीक है या गलत है। तो आज की जो क्लास का टॉपिक था वो था, हमने लेजर्स का सबका टोटल किया और उनका सीडी और बीडी को दिखाया, शो किया निकाल के। तो आज की क्लास यहीं तक थी हमारी।